शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं मीन लग्न की कुंडली में शनिदेव और चंद्रमा देवता का विष योग। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, इस लग्न कुंडली में शनिदेव और चंद्रमा का विष योग बनता है और यहाँ शनिदेव चंद्रमा देवता को खराब करते हैं, क्योंकि शनिदेव इस लग्न कुंडली के मारक ग्रह हैं। बृहस्पति देवता ने शनिदेव को लाभ का स्थान दिया और व्यय का स्थान दिया, ये मारक स्थान माने जाते हैं, और चंद्रमा देवता को संतान, बुद्धि, अनसर्टेन गेन, लवरमास का डिपार्टमेंट दिया, यानी त्रिकोण भाव में एक जगह दी जो चंद्रमा की राशि वहां रखी गई। तो चंद्रमा इस लग्न कुंडली में एक योग कारक ग्रह बने और शनि देवता इस लग्न कुंडली में अति मारक ग्रह बने। तो यहाँ विष योग जो होता है, शनि देव अपना पाप प्रभाव चंद्रमा पर डालकर जातक का मन सदैव परेशान करते हैं, बुद्धि में दिक्कत परेशानियां देते हैं और ऑब्स्टेकल जातक की खड़ी ही रखते हैं शनि देवता। तो शनि देव की दशा अंतरदशा में, क्योंकि मारक ग्रह है शनि देवता, हेल्थ में प्रॉब्लम, मेंटल पीस में प्रॉब्लम, यहाँ से शनिदेव ने तीसरे भाव पर दृष्टि डाली, छोटे भाई बहन से प्रॉब्लम, फजूल की मेहनत, यहाँ से शनिदेव ने जो सप्तम भाव पर दृष्टि डाली तो पार्टनरशिप, डेली वेजेस में प्रॉब्लम्स और दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम्स, यहाँ से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो दशम भाव पर डाली तो कामकाज संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स ही देते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। लेकिन चंद्रमा देवता अपनी दशा अंतरदशा में सदैव एडवांटेज देते हैं। चंद्रमा देवता पर्सनैलिटी को अच्छा करते हैं, एक सूझवान बुद्धिमान पर्सनैलिटी बनाता है, संतान सुख से परिपूर्ण होता है, विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यहाँ से चंद्रमा देवता जो सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस और पार्टनरशिप में भी एडवांटेज देते हैं। एक बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, इस लग्न कुंडली में शनिदेव डिग्री वाइज जितने बलहीन होंगे उतना कुंडली के लिए शुभ माना जाएगा और चंद्रमा जितना बलवान होंगे डिग्री वाइज उतना ही कुंडली के लिए शुभ माना जाएगा। शनिदेव मारक हैं इसलिए उसका बलहीन होना शुभ, शनिदेव बलहीन होना शुभ मारकेतु की वजह से, और चंद्रमा का बलवान होना कारकेतु की वजह से शुभ माना जाता है। शनि चंद्रमा प्रिय दर्शकों दूसरे भाव में पड़े हुए, यहाँ शनिदेव नीच के, एक तो मारक ग्रह ऊपर से नीच का हो जाना तो उसका मारकेतु डबल हो जाता है। अपनी दशा अंतरदशा में धन कुरु वाणी संबंधी प्रॉब्लम देते हैं शनिदेव, यहाँ से माता गाड़ी भूमि वाहन पर दृष्टि डाली वहाँ भी प्रॉब्लम देते हैं शनिदेव, यहाँ से आठवें भाव पर दृष्टि डाली तो फजूल की ऑब्स्टेकल बढ़ाते हैं शनिदेव, यहाँ से दृष्टि डाली जो ग्यारहवें भाव पर तो शनिदेव बिना कारण का फजूल का बड़े भाई बहनों से कलह क्लेश मचवाते हैं, लाभ में कमी लाते हैं, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी सदैव देते हैं और वाणी उग्र करना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन चंद्रमा की दशा अंतरदशा में धन कुटुंब वाणी संबंधी सदैव एडवांटेज मिलते हैं और जातक अपने हार्डवर्क से, अपनी बुद्धि बाहुबल से अपने हार्डवर्क को रिमूव जरूर कर लेता है। दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर तीसरे भाव में पड़े हुए, यहाँ चंद्रमा देवता उच्च के हो जाते हैं और शनि देवता यहाँ अति मारक ग्रह होने की वजह से छोटे भाई बहन से कलह क्लेश, फजूल की यात्राएं, फजूल की मेहनत करवाते रहते हैं और जातक की बुद्धि से भी मेहनत काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ से जितनी दृष्टि शनि चंद्रमा ने नवम भाव पर डाली तो पिता संबंधी प्रॉब्लम, धर्म को मानने संबंधी प्रॉब्लम और विदेश यात्रा संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम दे करके, शनिदेव की जो दशम दृष्टि फजूल के व्यय पर आती है तो फजूल के व्यय जातक के बढ़ोतरी करते ही मिलते हैं। यहाँ से शनिदेव ने जो पंचम भाव पर तीसरी दृष्टि डाली तो माइंड को भी अननेसेसरी अग्रेसिव करके पेट में छोटी मोटी प्रॉब्लम देते हैं, संतान से प्रॉब्लम बनी रहती हैं, अनसर्टेन लॉस होने का रास्ता ज़रूर होता है शनिदेव की दशांतरदशा में। शनि चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में पड़े हुए, शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में विदेश सेटल कर देगा, माता गाड़ी भूमि वाहन से दिक्कत परेशानियां देगा, माता से सदैव मनमुटाव बना रहेगा, यहां से शनिदेव ने रोग ऋण शत्रु कर्जा दुर्घटना पर दृष्टि डाली वहां के ऑब्स्टेकल खड़े कर देंगे, यहाँ से शनिदेव ने जो दशम भाव पर दृष्टि डाली तो कामकाज में ऑब्स्टेकल्स, यहाँ से दृष्टि डाली शनिदेव ने लगन पे तो पर्सनैलिटी में भी सदैव दिक्कत परेशानियां ही देंगे। लेकिन चंद्रमा की दशा अंतरदशा में माता से बहुत बनती होगी, माता की केयर करने वाला होगा, गाड़ी भूमि वाहन अगर मकान लेने वाला हुआ तो चंद्रमा की दशांतरदशा में बन जाएगा और कामकाज पर दृष्टि डाल के कामकाज में भी वृद्धि अवश्य मिलेगी। दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर पंचम भाव में पड़े हुए, चंद्रमा अगर बली हुए तो माइंड स्टेबल होगा,
चंद्रमा की दशा अंतरदशा में अनसर्टेन गेन्स भी मिलेंगे, पेट संबंधी प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी, लवर मास में कामयाबी भी मिलेगी और जातक की मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होगी। लेकिन शनि की दशा अंतरदशा में सारे से उल्टे रिजल्ट मिलेंगे, मेमोरी पुअर हो जाएगी, पेट में प्रॉब्लम्स आएंगी, लवर मास में फेलियर होगा और अनसर्टेन लॉस भी होगा और संतान से भी कष्ट सदा बना ही रहेगा। यहाँ से शनि देव ने जो सप्तम भाव पर दृष्टि डाली उसके संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट्स, यहाँ से शनि देव ने जो ग्यारहवें भाव पर दृष्टि डाली तो कहीं ना कहीं से लाभ अर्जित होता रहेगा लेकिन बड़े भाई बहन से कला क्लेश मचता रहेगा और फजूल की छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम लगी ही रहेंगी। यहाँ से शनि देव ने जो दशम दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन कुटुंब वाणी संबंधी भी सदैव छोटी मोटी प्रॉब्लम दे करके जातक जीवन यापन की मुश्किलों में बढ़ोतरी करता ही मिलेंगे शनिदेव अगर पंचम भाव में पड़े हुए तो। शनि चंद्रमा अगर छठे भाव में पड़े हुए, अगर बृहस्पति बलि हुए और शनिदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देंगे, अन्यथा शनिदेव भी रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा बढ़ा करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। यहाँ से शनिदेव ने दृष्टि डाली फजूल की ऑब्स्टेकल बढ़ा दिए, यहाँ से शनिदेव ने दृष्टि डाली फजूल का व्यय बढ़ा दिया, यहाँ से शनिदेव ने जो दशम दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो तीसरे भाव संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके छोटे भाई बहन से कलह क्लेश मचवा करके मेंटली पीस डिस्टर्ब करके फजूल की यात्राओं में भी रिजल्ट नहीं देंगे। चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा में पेट में प्रॉब्लम, संतान से प्रॉब्लम, संतान को भी प्रॉब्लम आती है, हाउस ऑफ कंपटीशन जातक जल्दी नहीं क्लियर कर पाता उसमें भी ऑब्स्टेकल्स आती हैं। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जो बारहवें भाव पर दृष्टि डाली तो फजूल के व्यय कहीं ना कहीं से होते ही रहते हैं और जातक एक मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सनैलिटी बन जाता है क्योंकि यहाँ विष योग का टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर सप्तम भाव में पड़े हुए, सप्तम भाव में पड़े हुए शनि चंद्रमा सदैव अपनी दशा अंतरदशा में टोटली डिसएडवांटेज के रिजल्ट देंगे। चंद्रमा यहाँ सारा पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देंगे क्योंकि वो एक कारक ग्रह हैं। पत्नी बहुत खूबसूरत मिलेगी, पार्टनरशिप में एडवांटेज मिलेगा, डेली वेजेस में एडवांटेज मिलेगा चंद्रमा की दशा अंतरदशा में। यहाँ से चंद्रमा देवता जितनी पर्सनैलिटी पर दृष्टि डालेंगे तो एक सूझवान पर्सनैलिटी सामने आएगी लेकिन शनिदेव की दशा अंतरदशा में टोटली डिसएडवांटेज मिलके रिजल्ट टोटली नेगेटिव होंगे। पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम आएगी, डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम आएगी, यहाँ दाम्पत्य सुख में भी कलह क्लेश शनि की दशा अंतरदशा में मचा ही रहेगा। यहाँ से शनिदेव ने नवम भाव पर दृष्टि डाली तो पिता धर्म को मानना विदेश यात्रा से प्रॉब्लम, यहाँ से दृष्टि डाली हेल्थ में प्रॉब्लम्स, यहाँ से दृष्टि डाली माता गाड़ी भूमि वाहन से भी शनिदेव प्रॉब्लम्स ही देंगे। दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर आठवें भाव में पड़े हुए, शनि यहाँ उच्च के हो जाते हैं, शनि विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए, बृहस्पति कहीं बलि हुए तो अच्छा फल देंगे, वरना शनि देव भी यहाँ मृत्युतुल्य कष्ट देंगे और चंद्रमा देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में मेंटली पीस पूरी तरह डिस्टर्ब करके स्टमक में प्रॉब्लम देके, औलाद संबंधी प्रॉब्लम देके, मेमोरी को पुअर करके टोटली रिजल्ट्स नेगेटिव ही देंगे। शनिदेव ने यहाँ से कामकाज पर दृष्टि डाली वहाँ के ऑब्स्टेकल्स, शनिदेव ने धन कुटुंब वाणी पर दृष्टि डाली वहाँ के ऑब्स्टेकल्स, शनिदेव ने दशम दृष्टि जो पंचम भाव पर डाली तो बुद्धि से, ब्रेन से, मेंटल पीस से, स्टमक से, संतान से, अनसर्टेन लॉस से, लवर मास में सारे टोटली डिसएडवांटेज के रिजल्ट जातक को अवश्य देंगे। दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर नवम भाव में पड़े हुए तो दोनों ही ग्रह टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे क्योंकि चंद्रमा यहां नीच का हो जाता है और वो नीच का कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। यहाँ पर पड़े हुए शनिदेव भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे, फजूल के व्यय बढ़ाते रहेंगे, पिता से मनमुटाव बना रहेगा, धर्म को जातक जल्दी नहीं मानने वाला होगा, विदेश यात्रा अवश्य होगी, यहाँ से लाभ कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत अर्जित होता रहेगा, यहाँ से छोटे भाई बहन से भी कलह क्लेश मचाई रखेंगे, फजूल की मेहनत होगी, यहाँ से शनिदेव की जो दशम दृष्टि छठे भाव पर पड़ी तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा संबंधी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक की मुश्किलों में सदैव बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे और चंद्रमा और शनि दोनों ही यहां नेगेटिव रिजल्ट देंगे अगर नवम भाव में पड़े हुए तो। शनि चंद्रमा अगर दशम भाव में पड़े हुए तो चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा में कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा, संतान से बहुत लगाव होगा जातक का, संतान के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने वाला होगा, यहां से चंद्रमा देवता ने दृष्टि डाली माता गाड़ी भूमि वाहन संबंधी एडवांटेज देंगे, माता से जातक का बहुत ज्यादा लगाव होगा और यहाँ पर अगर मकान बनाने वाला हुआ, गाड़ी लेने वाले हुई जातक की तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में वो दोनों तीनों चीज़ें ज़रूर बन जाएंगी। लेकिन शनिदेव इससे बिल्कुल उल्टा करेंगे, अगर शनिदेव की दशा अंतरदशा चल पड़ी तो
कामकाज में ऑब्स्टेकल्स आएंगी, यहाँ से फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, फजूल के व्यय होते रहेंगे। यहाँ पर शनि देव ने जो चतुर्थ भाव पर सप्तम दृष्टि डाली तो माता गाड़ी भूमि वाहन से प्रॉब्लम्स, माता से छोटी छोटी बात पर मनमुटाव बना रहना, माता को छोड़ करके विदेश जाने का योग भी बनेगा और गाड़ी भूमि वाहन अगर बनाने वाला हुआ तो वो जल्दी नहीं बनने वाली। यहाँ से शनिदेव ने जो दशम दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो दाम्पत्य सुख में भी कलह क्लेश मचवाएंगे, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम देंगे, डेली वेजेस में भी कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स खड़ी ही रखेंगे। दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर 11वें भाव में पड़े हुए, लाभ कहीं ना कहीं से शनि देव की दशांतर दशा में अर्जित होता रहेगा क्योंकि वो अपनी खुद की राशि में पड़े हुए हैं, तो खुद की राशि में पड़े होने का इतना एडवांटेज मिलेगा कि बड़े भाई बहनों से सपोर्ट भी मिलेगी, अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आएगी तो वो भी चली जाएगी और धन का अर्जित कहीं ना कहीं से होता रहेगा। लेकिन चंद्रमा की दशांतर दशा में अनसर्टेन गेन्स का योग बनता है, लव रोमांस में कामयाबी का योग बनता है। दोनों की शनि चंद्रमा की दृष्टि का पंचम भाव में पड़ना पुत्री का योग अवश्य बनाता है, अनसर्टेन गेन का योग चंद्रमा की दशांतर दशा में बनता है और लव रोमांस में कामयाबी होकर के मेमोरी और विल पावर जातक की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। चंद्रमा यहाँ कारक ग्रह होने का पूर्णता एडवांटेज अवश्य देता है। दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर 12वें भाव में पड़े हुए, यहाँ चंद्रमा टोटली डिसएडवांटेज देंगे, शनि अगर विपरीत राजयोग में आ गए तो एडवांटेज देंगे, वरना वो भी टोटली डिसएडवांटेज ही देंगे और जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट तक देगा। ये विष योग 12वें भाव में बना हुआ क्योंकि ये भाव गलत माना जाता है। यहाँ से शनि देव ने दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी के रिगार्डिंग, टोटली नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ से शनि देव ने छठे भाव पर दृष्टि डाली तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा के संबंधी नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ से शनि देव ने दृष्टि डाली जो दशम दृष्टि नवम भाव पर तो पिता से मनमुटाव बना रहना, विदेश यात्रा करके बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा ना मिलना और धर्म को जल्दी ना मानना और पिता से भी कहीं ना कहीं मनमुटाव बना ही रहता है। चंद्रमा की दशांतर दशा में मेंटली जातक स्टेबल नहीं होता, मेमोरी पुअर हो जाती है, अनसर्टेन लॉस का योग बनता है। यहाँ पर चंद्रमा देवता की प्लेसमेंट पंचम भाव के रिगार्डिंग टोटली नेगेटिव रिजल्ट देता है और यहाँ से जितनी दृष्टि वो छठे भाव पर डालता है रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा कोर्ट के इस लिटिगेशन बढ़ा करके छठे भाव के संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को और बढ़ा देता है। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, इस मीन लगन की कुंडली में चंद्रमा देवता का रतन सुच्चा मोती पहना जा सकता है अगर वो किसी अच्छी जगह प्लेस्ड हुआ, अस्त कहीं भी हुआ तो वो पहना जा सकता है, लेकिन अगर अस्त नहीं हुआ तो सिर्फ अच्छी जगह प्लेस्ड हुआ तो पहना जा सकता है। लेकिन इस लग्न कुंडली में शनि देव का नीलम कभी भी धारण नहीं किया जा सकता, चाहे आपकी विदेश यात्रा कितनी भी अटकी हुई क्यों ना हो, क्योंकि विदेश यात्रा हो सकता है बाद में होए, ये अस्पताल का खर्चा भी है साथ में, जेल यात्रा का घर भी है साथ में। पंडित जी ने ये कह के पहना दिया कि आपकी विदेश यात्रा हो जाएगी, आप नीलम पहन लो, हो सकता है विदेश यात्रा हो ना हो लेकिन जेल यात्रा और अस्पताल की यात्रा पहले एक्टिवेशन में आ जाए, वो रिजल्ट आपको टोटली नेगेटिव देगी। किसी भी चीज को पिन पॉइंट या स्पेसिफिक नहीं किया जा सकता, यहां पर नीलम पहनना आपको टोटली डिसएडवांटेज के ही रिजल्ट देगा, तो इस लग्न कुंडली में नीलम पहनना सदैव वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए, अगर शनि राहु की पीड़ा आपको बहुत ज़्यादा सता रही हो तो शनिवार के रात को सूर्यास्त के बाद कहीं भी पीपल के आसपास जाकर एक मौली बांध आते हो तो वो भी शनि देवता के पाप प्रभाव को बांध करके आपको उससे फारिग जरूर कर देती है। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ प्रिय दर्शकों, हम सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।